आज ई प्रो 3200 VA का मैक्सिमम लोड टेस्ट होगा और सोलर पैनल से कितने एम्पियर आते हैं वो भी दिखाया जाएगा। मेरे एक दोस्त हैं विपुल जायसवाल, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो इन्होंने 550 वाट के 6 बाईफेसियल पैनल लगाए हैं करीब 9 फीट के ऊंचाई पे। देखिए सनलाइट अच्छा है इस पर, दोनों साइड से इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है सोलर पैनल से वो इनका हो रहा है। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि इनके इन्वर्टर में कितना एम्पियर सोलर पैनल से आ रहा है और ये कितना लोड चला रहे हैं। इसके बाद हम लोग ये भी वीडियो देखेंगे कि आशा पावर का, UTL का, और अपने नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कैसे बदले, और सरकार का जो न्यू इलेक्ट्रिसिटी बिल पॉलिसी आने वाला है जिससे बिजली बिल डबल हो जाएगा वो भी वीडियो इसमें हम लोग आगे चल के देखेंगे। ये देखिए इन्होंने ल्यूमिनस की 4 सोलर बैटरी लगाई है, 200 AH की बैटरी है। ये इन्वर्टर पर 2 बैटरी का ये इन्वर्टर है, 2 बैटरी का इन्वर्टर है ईप्रो 3200 VA, लेकिन इन्होंने भी 4 बैटरी लगा के रखा है मेरी तरह। मैंने भी अपने ईप्रो 3200 VA पे 4 बैटरी ही जोड़ा है सीरीज पैरेलल करके। तो ये देखिए इनका इन्वर्टर, मेरा भी इन्वर्टर सेम यही मॉडल है। 61% अभी घर का लोड चल रहा है इस इन्वर्टर पे। 120 यूनिट अभी ये जनरेशन दे चुका है, बना चुका है अब तक जब से ये लगा है, और 15 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रहा है, यानी कि 15 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रहा है। 1 एम्पियर में 25 से 27 वाट होता है। 71% अभी ये घर का लोड चल रहा है। 71 प्लस 15 जोड़िए यानी 86 एम्पियर अभी ये दे रहा है। ये देखिए इनके आंखों के सामने। तो अभी तो फरवरी का महीना है, उतना धूप अच्छा निकल नहीं रहा है, लास्ट सीजन चल रहा है। 99% घर का लोड चल रहा है, इन्होंने मैक्सिमम इस पे लोड दे दिया है। तो 99% पे ये देखिए लोड चल रहा है। अब सोलर पैनल से ये कितना एम्पियर ले रहा है, 87 एम्पियर सोलर पैनल से ले रहा है। 1 एम्पियर में 25 से 27 वाट होता है, 10 एम्पियर में 250 से 270 वाट, तो यानी कि 90 एम्पियर में जोड़ लीजिए कितना होता है, 2182 वाट सोलर पैनल से अभी यह दे रहा है। जी देख सकते हैं 72.2 वोल्ट, क्योंकि सीरीज में लगा है ये सोलर पैनल, 87 एम्पियर, 2172 वाट सोलर पैनल से भी ये निकाल रहा है। 3300 वाट के पैनल लगे हैं, 2172 वाट दे रहा है, 87 एम्पियर ये दे रहा है। ये कंपनी क्लेम करती है इप्रो में कि इसमें 100 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा है। आज ही मुझे यकीन हो गया कि बिल्कुल इसमें लगा है। अभी फरवरी का महीना चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून में देखिएगा ये 95 एम्पियर तक ये निकाल के देगा। तो इन्होंने अपने क्लैंप मीटर से इसका दिखाया है कि इसमें क्या क्या हो रहा है। ये देखिए जो सोलर पैनल से जो आया है वायर, उसका इन्होंने चेक किया। अब इन्वर्टर से जो वायर जाता है उसका हम लोग एसी करंट, एसी लोड देखेंगे कि 99% पे ये कितना एम्पियर दे रहा है। तो इसको पहले ये कर दें, क्या कहते हैं, एसी में, ठीक है इन्होंने कर दिया है। और ये देखिए 9.45 एम्पियर, जी 9.5 एम्पियर अभी ये दे रहा है। 1 एम्पियर में एसी करंट में 220 से 250 वाट होता है। तो दिन में ये घर का लोड सोलर पैनल से चलाते हैं जो कि हैवी लोड है, जैसे समरसेबल हो गया, मोटर हो गया, और रात में 15 से 16 घंटा इनके घर का सारा लोड बैटरी पे चलता है। तो दिन में सोलर पैनल से हैवी लोड चल गया और रात को 2200 AH की 4 बैटरी लगी। अब सोच लीजिए इनके पास 6 यूनिट का बैकअप रहता है, 6 यूनिट में रात भर में क्या चला सकते हैं, आप खुद ही इमेजिनेशन कर लीजिए। ये जो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है, लोगों के बीच इसका क्रेज़ बढ़ते जा रहा है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर ले लें क्योंकि उनका पावर लॉस इसमें कम होता है, 95% तक एफिशिएंसी होता है, 98% एफिशिएंसी होता है। सबसे बड़ा चीज़ क्या है, ये मेड इन चाइना है, प्योर मेड इन चाइना है, टोटल पार्ट्स इसका चाइना में बनता है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है, चलिए मेड इन चाइना है भाई तो ठीक है, लेकिन इसका पार्ट्स भी तो इंडिया में नहीं मिलता है। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि इंडियन कंपनी जो भी इसको अपना टैग मार के बेच रही है, वहाँ से उठा रही है चाइना से, वो इस चीज़ पे फोकस करेगी, मुझे इसको कॉपी करके A to Z चीज़ मुझे इंडिया में इस तरह का चीज़ कैसे बनाना है, किस तरह से मैं इंडिया में इसका टेक्नोलॉजी डेवलप करूं। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम छोड़ के इस काम पे लगे, IITians का टीम बनाए, हायर करें वैसे लोगों को कि 95% 96% एफिशिएंसी कैसे निकले इन्वर्टर से। देखिए आने वाले 5 से 10 साल मैक्सिमम लगेंगे ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आ जाएगी, तब ये इन्वर्टर लेने लायक होगा। अभी पैसा फंसाने का मतलब है, अगर ये ख़राब हो गया तो देखिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ये जल्दी बनेगा नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो शायद मे भी बन भी जाए,
लेकिन माइक्रोवेव नागल करविन सर इस पे अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी मार्केट में ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर, कॉपर इन्वर्टर सब कुछ लेने लेके आने वाले हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा सर प्लीज़ इसमें प्राइस कम दें और इसका सर पार्ट्स मिल जाए एटलीस्ट, ये तो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि ख़राब होने पे कम से कम इसका पार्ट्स अवेलेबल हो जाए। और बाकी कंपनियां जो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर हैं सीधे चाइना से उठा के डबल ट्रिपल रेट पे दे रही हैं और उसी पैसे से आपका वारंटी वगैरह का रिप्लेसमेंट का क्लेम कर रही हैं। देखिए जब तक इंडिया में इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप ना हो जाए तो अभी बहुत सोच समझ के पैसे को रिस्क में लगाएं। हालांकि माइक्रोवेव नागल सर का काफ़ी बेस्ट है, नहीं तो आप नॉर्मल कॉपर वाला ट्रांसफार्मर खरीदें जिसमें कॉपर ट्रांसफार्मर हो और बैटरी एच बढ़ा दें, पावर लॉस का काम खत्म। ये देखिए UTL गामा प्लस 3350 का इन्वर्टर है, तो इसके बारे में मैं यही कहूँगा, मैं कंपनी से रिक्वेस्ट करूँगा इसमें आप 3300, 3400, 3500 वाट तक के टॉप वन पैनल 6 लग जाए, उसमें आप ये इसमें फैसिलिटी दें कि इसमें 3300, 3400 वाट के पैनल लग जाए और 80 एम्पीयर सोलर चार्ज कंट्रोलर दें ताकि चाइना का मार्केट इंडिया के अंदर रूल ना करे। मैं कंपनी से रिक्वेस्ट करूँगा। आशा पावर बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसने अब ये स्ट्रेटजी समझ चुका है कि 80 एम्पीयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर इसने लगा ही दिया अपने 24 वोल्ट के इन्वर्टर में, जिससे कहीं ना कहीं ये मार्केट में तहलका मचाने वाला है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कंपनी से कि 25,000 से मैक्सिमम इसका रेट ना हो, ये 24 वोल्ट 3000 वाट तक सोलर पैनल सपोर्ट और 80 एम्पीयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर इसमें देने वाला है, दे दिया है 80 एम्पीयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर, तो ये मार्केट में बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। नोटिफिकेशन इसका हर जगह गूगल पे और वेबसाइट पे चढ़ जाएगा बहुत जल्दी आपके सामने। तो अब कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है, तो जो लोग भी अपना इन्वर्टर मार्केट में लाना चाहते हैं प्योर कॉपर ट्रांसफार्मर लेके आएँ और कम से कम कोई भी कंपनी हो मिनिमम 80 एम्पीयर तक का सोलर चार्ज कंट्रोलर दे, चाहे वो 24 वोल्ट का इन्वर्टर हो, चाहे 48 वोल्ट का, चाहे 12 वोल्ट का ही क्यों ना हो। मैं कोशिश करें कि आप 12 वोल्ट का इन्वर्टर ना लें और आप लिए हैं तो इस तरह से कनेक्शन करके आप नॉर्मल इन्वर्टर में 1000 से 2000 का सोलर चार्ज कंट्रोलर जोड़ के, ये PWM है, अपने नॉर्मल इन्वर्टर को आप इस तरह से सोलर इन्वर्टर बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें 250 वाट 12 वोल्ट के दो पैनल भी जोड़ सकते हैं, PWM टेक्नोलॉजी का है। तो आप अगर 60 एम्पीयर का लेते हैं तो इसमें 3 पैनल भी जोड़ सकते हैं और इस तरह से आप डायग्राम को देख के अपने घर का नॉर्मल कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए वीडियो स्किप मत करिएगा, आपको लास्ट में पता चलेगा मैं क्यों कह रहा हूँ। अब हम लोग को ऐसे इन्वर्टर की ज़रूरत है जो मैं करता हूँ कि दिन में सोलर से घर का लोड चले और रात को बैटरी से, इसीलिए मैं अपने वीडियो में भी रात को अपना जो लोड है बैटरी से चलाता हूँ और दिन में सोलर से घर का सारा लोड चलाता हूँ, जिससे मेरा जो बिजली बिल पहले 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 कोई लिमिट नहीं था, 3 महीने का एक बार 73,000 आया था, अब वो कम होके 500-600 रुपये पर मंथ पे आ चुका है। तो ये आशा पावर का नोवा मॉडल है, आशा पावर नोवा, ये 900 वाट तक के 12 वोल्ट के इन्वर्टर में पैनल लगा सकते हैं। तो 450 वाट के इस पर आप दो पैनल ले लें, वारी की वेबसाइट से पैनल सस्ते पड़ते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में डाला है, मैं कोई भी वीडियो मिस नहीं करता हूँ, बहुत सारा वीडियो मैंने डाला है हर चीज़ के बारे में, सोलर एडवांस सोलर पैनल स्टैंड से लेकर सब कुछ कि किस तरह अपना सोलर पैनल खुद ही इंस्टॉल करें और कैसे। मोदी जी तैयारी कर रहे हैं बिजली का बिल डबल करने की और ये एक बहुत रिवोल्यूशनरी स्टेप होगा। कैसे? अभी पूरे इंडिया में एक स्टैंडर्ड बिजली का बिल दिया जाता है जो पर यूनिट के हिसाब से चलता है, लेट्स से 8 रुपए पर यूनिट। अब आपने अगर 150 यूनिट यूज की तो 150 × 8 प्लस जो भी नेसेसरी टैक्सेस है। नए सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 ब्रैकेट्स बनाए जाएंगे, 8 घंटे दिन के, नाइट के नॉर्मल घंटे और नाइट के पीक आवर्स। दिन में इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होगी और रात में महंगी और रात के पीक आवर्स में और भी ज्यादा महंगी। ये नया सिस्टम 2025 के बाद लागू किया जाएगा। कॉमेंट्स में बताओ आप इस बारे में क्या सोचते हो।